रभ राभस्ये, रभ धातु राभस्य अर्थ में, राभस्य क्या है? हड़बड़ करना, जल्दबाजी करना, एकदम शीघ्रतापूर्वक करने की कोशिश करते हैं ना, उसको बोलते हैं राभस्य। यानी यही धातु जब अंग उपसर्ग हो जाए तो उसका होता आरंभ, हो जाता आरंभ, आरभते से शुरू हो जाता आरभते, जान के दे रहे आगे रुक, इसलिए अंग उपसर्ग रुक ही दे दिया। तो रभते, रभते रेभे, रब्धा, रप्स्यते, रभताम, अरभत, रभेत, रप्सिष्ट, अरब्ध, जलो जल इसी चलो हो जाएगा, अरप्स्यता, ये रूप बनता है। दिया है आरभते आरेभे, आंग सब दिखाया। दुलभश प्राप्तौ धातु है, दुलभश प्राप्तौ, लभ धातु, डू की संज्ञा आदि टुडवा, श की संज्ञा हलंत्यम, अकार उच्चारणार्थ बीच में लभ बच गया, अथवा अकार का अनुदात्यत मान लो, अनुदात्यत आत्म पद होना है ना, अनुदात्यत है। तो द्वितः त्रि सूत्र है, उसके लिए डू की संज्ञा हुई और शिद्विदादि अंग से अंग प्रत्यय करने के लिए शित हुआ है धातु, अकार अनुदात्यत और छात्र पद हो गया। लभते लेभे, लेभे आते है कल मध्य से ही हो जाएगा, लेभे लब्धा, लप्स्यते लभताम, अलभत लभेत, लप्सिष्ट अलब्ध अलप्स्यत। आगे में थोड़ा लंबी प्रक्रिया, पहले इन दो धातुओं का टीका देख लो। इसलिए रभरावस्य अनिडयम, रावस्यम ने शीघ्री भाव, देखो रावस्य का अर्थ होता है शीघ्री भाव, जल्दबाजी करना, हड़बड़ करना, उसी से गड़बड़ हो जाता है। आंग पूर्वकस्तो प्रारंभार्थ, और आंग पूर्वक हो जाए तो वो अर्थ हो जाता है प्रारंभ। तदाह आरभत इति रब्धा, ये कैसे बन गया? जस तत्व रीति धत्वम, और भस्य जस्तम, प्लत्ता को ध हो जाएगा, फिर भ को जस्त करके ब हो जाएगा, रब्धा बन जाएगा, रब्धा रब्धारो रब्धार रब्धा से रप्स्यते इति, स्पष्ट ही है, कुछ कहा नहीं, इसलिए रब है से परमरित भ को क्या होगा, खरीच भ को प हो जाएगा सीधे, रप्स्यत अर रम ने रप्स्यते बना, रभताम अरभत रभेत रप्सिष्ट, यहाँ भी श्रुति तो है, आशलिंग में भ को प हो गया, सपर में है ना, खरीच खरीपर जलाम चरस्यु, भ को चर प हो जाएगा, और आरब्ध, आरब्ध में क्या है, रब जातु है भांत है, उधर त प्रत्यय है, बीच में सिंच आएगा, झलो झली से सिंच का लोप हो गया। अब पर वही हाल है, भांत होने के नाते उधर झसत और धो धा, त को ध हो गया, भ को पूर्वत जलाम जस झसी ब हो गया, तो रूप बन जाएगा आरब्ध। अरब क्षेत्र में गेल खरीच डुलबा शिति टूरित शकारश्च, डू की संज्ञा होगी और श का भी संज्ञा होगा। लाभ क्या है? द्वितक्त्री और शुद्ध विदात व्यंगित प्रयोजनम, ये भी अनिट धातु है, रब धातु रूपाणि, रब धातु के समान इसके रूप चलेंगे। तत्वोधनिकार रबरावस्य रावस्यम उपक्रम, रावस्य करते हैं उपक्रम करना, लिटि रेभे रेभाते इत्यादि, लुंगी में अरब्ध अरब्ध अरप्साताम, अरप्सताम कैसे हो गया, द्योतन में क्या होगा, तो आताम छ है ना, आताम रहेगा नहीं, लोप नहीं होगा, अरब साताम होना चाहिए ना, अरब सताम कैसे छप गया, अरब साताम अरब सताम ये होना चाहिए, अरब द अरब साताम
अरप्सत, अरब्धाः, अरप्साताम, अरब्ध्वम, अरब्सी, अरब्स्वही, अरब्स्मही। नहीं और का दीर्घ बना लेना पड़ेगा, अरप्साताम होना चाहिए। दुर्लभ स्मित नहीं करे द्वितीय लप त्रिमम रूप बनता है, अशुद्धि अंग संग होकर लभा बनता है। लिट में लेभ है, लुंगी में अलब्धा, इतना दिखा दिया। और बीच के इधारे में कुछ है ही नहीं, सिक्केल बानरमा है। अगला धातु है स्वंज परिश्वंग, स्वंज धातु है परिश्वंग अर्थ में आलिंगन करना, परिश्वंजनम आलिंगनम। तो धात्वादेश ऐसा होगा स्वंज बनेगा, स्वंज। उस स्थिति में सूत्र लगा रहे दंश संज स्वंजाम शपी, दंश संज स्वंजाम शपी, दंश संज स्वंजाम शपी, रंजेश्च रंजेश्च रंजेश्च। वृत्ति एक होने के नाते एक साथ ले लिया दोनों सूत्रों, दंश धातु संज धातु और स्वंज धातु, षष्ठी के बहुवचनम, शपी सप्तमी का एक वचन, रंजे है षष्ठी का एक वचन, च अभ्य। दंश संज स्वंज इन तीनों धातु और रंज धातु, इनको क्या होगा, येषाम शपि परे न लोपः, शब के प्रति हुए नकार का लोप होगा, मान सार धातु चारों दलकारों में नकार का लोप हो जाएगा, न लोपः। स्वंजते के जर स्वजते बना, नकार लोप हो गया, स्वजते परिश्वजते, परिपसर्ग में मूर्धन शकार हो गया दोबारा, परिश्वजते। श्रंति ग्रंथि दम्भि स्वंजीनाम लिटक कित्तम वायति व्याकरणांतरम, एक दूसरे किसी व्याकरण में ऐसा एक सूत्र था, क्या था, श्रंति ग्रंथि दम्भि स्वंजीनाम लिटक कित्तम वा, लिटको कित होता ही है असंयोग लिटकित, स्वयं से पर में है ना, ये संयोग है स्वंज धातु, स्वयं पर जो सूत्र नहीं लग रहा था, कितना ही कर रहा था, तो पाणे के मत में कित है ही नहीं, लेकिन अन्य सौ व्याकरणकारों ने कित विकल्प कर दिया है इन धातुओं से, अतएव कित माना गया, अतएव कित विकल्प हो गए, दो दो रूप बनेंगे पाणिनि और तद्भिन्न व्याकरण के मत के अनुसार। कैसे है पता चला आपको, कहते दूसरा व्याकरण तो है नहीं इस जमाने में, आपको कहाँ से मिल गया व्याकरणांतर, कहते भाष्यकार ने ही बताया, देवतु सस्वजयति भाष्योदाहरणाद एक देश अनुमत्या यहापि आश्रियते। देवतु पूरे इटलकार का रूप नहीं है ना, एक रूप दिखा दिया देवतु, और सस्वजे टेटलकार के मतांतर के अनुसार कित मान करके नकार के लोप का रूप को दिखाया है, इसे मालूम होता है उस व्याकरणांतर सूत्र को भाष्यकार को स्वीकृत है, इसे एक मत में इसलिए विकल्प माने जाएंगे। इसमें इतना ही नहीं, सदैव परसिरेटीति सूत्र है स्वंजे रूप संख्यानम, ऐसे भी बोल दिए, सदैव परसिलिटी इस सूत्र में स्वंजे रूप संख्यानम ये कह दिया गया, इसलिए तो अभ्यासात परस्य शक्तम न, इसलिए अभ्यास पर में जो दंत सकार रहेगा अनभ्यास वाला सकार उसको मूर्धन्य सकार नहीं होगा। परिशस्वजे परिसर पर जाकर दिखा दिया, ऐसे लिट लगा क्या रूप बनेगा, इसलिए सस्वजे एक रूप है, सस्वंजे लिट पक्ष है कित पक्ष है नकार लोप होगा, सस्वजे कित अभाव है सस्वंजे। परिपर में उपसर्ग में क्या होगा, अभ्यास सकार को हो गया, तादृशु अभ्यास अनभ्यास लगना चाहिए, अनभ्यास भी होना चाहिए था, वो नहीं होगा, क्यों निषेध कर दिया वार्तिक से, उपसंख्यान कर दिया, इसीलिए एक ही को शकार हो गया, परिशस्वजे परिशस्वंजे, सस्वजे सस्वजाते सस्वजिरे सस्वजिषे सस्वजाते सस्वजिद्वे सस्वजे सस्वजीव सस्वजीव क्रादिनियम सिट होगा। और इसी प्रकार से सस्वंजे सस्वंजाते सस्वंजिरे सस्वंजिषे सस्वंजाते सस्वजिद्वे सस्वंजे सस्वंजीव सस्वंजीव है, ये बनेगा। और परिपसर जोड़ोगे तो सब जगह अभ्यास को मूर्धन्य सकार होगा, अनभ्यास में दंत सकार ही रहेगा निषेध होने के कारण से। अनेट धातु होने से हवाइये लुट लकार में स्वंता कैसे बना, स्वंज धातु है ता परम है, स्वंज धन ता ता तारो तारा ही तो रहता है,
उस स्थिति में स्वंज धातु से ता के पढ़ते हुए अब क्या क्या सूत्र लगाओगे? पहले जकार के स्थान में चौकू लगेगा, जल आदि प्रत्यय पर में है, चौक से कुत करो, जक हो जाएगा ग, ग कौन है, ग क फिर क्या होगा खरी च, पर में खर ता है ना, खर है, इसे क्या हो गया चर्त में ग को हो जाएगा क, का के वैसे उस अनुस्वार प्रसवर्ण के स्वंग बने ng, स्वंगता वही दिखाया मूल में उन्होंने, स्वंगता 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 रो स्वंगता रह, स्वंगता से स्वंगता साथ स्वंगता द्वे, स्वंगता हे स्वंगता स्वे स्वंगता स्वे। और वहां पर क्या होगा क होने के बाद पहले ज को होगा ग, ग को हो जाएगा क, क होने से क्या होगा वो दंत सकार को मूर्धनि सकार हो जाएगा, आश प्रत्यय हो प्रत्यय का सकार है, का शस्य इच्छा हो जाएगा, या अनुसार प्रसन्न कौर कैसे गऊंगा यहाँ जो था वापस अनुसार हो जाएगा, जिससे छ की निवृत्ति होगी, ज की निवृत्ति होते ही ग आते ही वापस अनुस्वार हो जाएगा, फिर अनुसार प्रसन्न से ग हो जाएगा, तो स्वंक्षते स्वंक्षते रूप बनेगा। और स्वजताम अस्वजत स्वजेत, यहाँ पर स्वंशिष्ट अस्वंक्त, यहाँ पर जलाम जली ना, जलो जली, जलो जली शिष्य के लोप हो जाएगा, अस्वंक्त अस्वंक्षत प्रत्यस्वंक दिया ना, इसलिए लंग लकार के दिया प्रतिपसर पूर्व दिया प्रत्यस्वंक्त, यह व्यवधान में कैसे हो गया उस सूत्र याद दिला दे रहे प्राक सित्ता दड विवाह प्रीति सत्व परिनिभ्यस्त शिवादी नाम वायती विकल्प, और केवल परिनिवि पूर्वक होता तो शिवादी नाम सूत्र से विकल्प से हो जाएगा, ये तदर्थम में इसीलिए ही उपसर्गा सुनोति इत्येव सिद्ध है स्तू स्वंजो परिनिवित्यत्र पुनरुपादानम, इसलिए उपसर्गा सुनोति ऐसे सूत्र से शब्द सिद्ध हो रहा था, लेकिन विकल्प करने की इच्छा से जान करके उन्होंने परिनिवित्य सूत्रों में भी स्तू और स्वंज दोनों को ग्रहण किया गया है। इतर पुनरुपादानम पर्यश्वंत पर्यश्वंत, ये लुंगलकार के दोबारा पर्युपसर पूर्वक भी दिखा दिया विकल्प से होता है दिखाने के लिए। हाँ अलग अलग भी लाभ है तभी तो कह रहे हैं, अलग भी लाभ है तभी तो अलग बनाया पाणिनि ने, नहीं तो वहीं जोड़ देते रंजाम कह देते स्वंज रंजाम ऐसे कह सकते थे, नहीं कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य तो है, और इसे चात से ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर रंजेश च, च से सबका अनुवृत्ति किया है ताकि सब आगे अनुवृत्ति न हो, चात अनुवृत्तम नोतरत्र, यदि अलग सूत्र नहीं बनाते शब्द यहाँ पर है आगे सूत्र में भी चला जाता, अलग सूत्र पर च कह देने से सब आया उस सूत्र किसमें, ऐसे सब आगे सूत्र में नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति में अलग और कोई लाभ ना हो अनुवृत्ति न हो एक धरती एक और सूत्र के सब कहाँ तक जाएगा रंजस्य में आएगा, इसे आगे नहीं जाएगा, ये लाभ है। हद पुरुषोत्सर्गे, हद धातु है पुरुषोत्सर्ग, और हिंदी वाले द को ग कर दे हगना बोलते हगना है? हिंदी वाले बोलते ना हगना, हदते हदते जहदे जहदाते जहदिरे बनेगा, हत्ता ये भी अनेट धातु से हत्ता, हत्स्यते हदताम अहदत हदेत हत्सिष्ट अहत्ता अहत्स्यत, इनकी टीका देखिए स्वंज परिश्वंगे इति शोपदेश मनिट, ये धातु शोपदेश है और अनिट इसे धातु से स हो जाएगा, लाभ ये तो दस होने का बाद दोबारा सत्व जहाँ करने की योग बनता है तो सत्व कर सकते हैं हम। दंश संज व्याख्या सौ कर आया सूत्र दो उपात्तम, देखो बता रहे ना व्याख्या सौ कर आया सूत्र द्वयम, एक सूत्र बनाते तो व्याख्या में सुकर नहीं था, कठिन था व्याख्या करना, फिर मुश्किल होता कैसे ब्रेक लगाते थे सबको, सब तो आगे के सूत्र में चला जाएगा सब में, व्याख्या की सौकर्याय
सूत्रद्वय बनाना पड़ा। दूसरा ये भी कह सकते हैं एक साथ सूत्र हमने यहाँ रख दिया है, यदि रंज धातु है ही नहीं, आगे जाने वाले वहाँ बोलना चाहिए रंजस सूत्र को, यहाँ सूत्र क्यों बोल रहे हो? एक साथ वृत्ति बनाने में सुविधा है, व्याख्या सौ करिया मैंने एक साथ सूत्रों का वृत्ति में एक ही वृत्ति काम बन गया ना भाई, नहीं तो आगे दोबारा रंजस कहीं पढ़ते तो क्या बोलते आप? रंज धातु का नकार का लोप हो सब कर पर रखते हुए फिर पूछे सब कहाँ से आया, फिर आपको वहाँ कहना पड़ता इस सूत्र से दंश संजाम शपी से शप आया, ऐसे व्याख्या करनी पड़ती ना, वो व्याख्या की सुकरता होगी यहीं बोल दिया। और जहाँ रंज धातु आएगा वह सूत्र याद दिलाएंगे वहाँ हमने सूत्र बोला है रंजश्च न लोपैती नकार से लोपैत्यर्था, ये न लोप कहाँ से लाए? स्थान न लोप सूत्र से लिया है, इतत धनवृत्ति भाव परिश्वजतायती परिनिविप्यति सप्तमी भाव संयुगात परत्वात् लिटिकित्व्या प्राप्त्याः तब से आ गया व्याख्यांतर के द्वारा, व्याकरणांतर के द्वारा, व्याकरणांतर के द्वारा कित विकल्प हो गया, यहाँ तो संयोग था, ये सब पाणिनी व्याकरण के अनुसार कित नहीं हो सकता था, व्याकरणांतर में इदम पाणिनी इरपि ग्राह्यम कहने का अभिप्राय है, यद्यपि व्याकरणांतर का सूत्र है इन पाणिनी शिष्यों के द्वारा भी यह ग्रहण करने योग्य है। देवतुर्ति अतएकल मध्य सूत्र भाष्य अतएकल मध्य सूत्र के भाष्य में देवतुति उदाहरण में उदाहरण दिया और सदैव प्रसिलिटी इस सूत्र भाष्य सस्वजे इत्युदार्थ इनको ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को मानना पड़ता है। ततश्च एक देश अनुमत्या श्रंति ग्रंथि इत्यादि वाक्यम कृष्णम व्याकरणांतरस्तम भाष्य अनुमतमिति विज्ञायते इत्यर्थः। व्याकरणांतर में स्थित होने पर भी भाष्य अनुमत होने से स्वीकार किया जाएगा सदरिति, लेकिन पुराने स्वीकार कर रहे हैं एक देश अनुमत्या, मैंने यहाँ पर श्रंति धातु ग्रंथि धातु लिया है वो नहीं लेंगे हम, केवल दम्भी और स्वंजी दो ही लेंगे, श्रंत ग्रंथ धातु में सूत्र को नहीं लगाएंगे व्याकरणांतर को, एक देश मात्र की अनुमति। सदरिति सदैव प्रचलित सप्तऋषि सूत्र में स्वंजर्प उपसंख्यान में से वार्तिक कह दिया गया, इसलिए स्वंज धातु के सकार को सत्व नहीं होगा। ततश्च सदी स्वंजोर उत्तरखंड से सस्य सप्तम न स्यात् ये वो सूत्रार्थ लाभ होता है, तदाह अतो अभ्यासात् परस्य सप्तम न परिशस्वजे परिशस्वंजे परसित्युक्तेर उत्तरखंड से ही सत्व निषेध न तो अभ्यास से परसे कहने के कारण से उत्तराखंड का ही सत्व निषेध होगा, अव्यवहित में रहने वाला जो अभ्यास है उसका सत्व निषेध नहीं माना जाएगा। कित पक्ष नलोप सस्वन जाते सस्व जाते नलोप पक्ष बाद में रख दिया कोई बात नहीं, सस्वन जिरे सस्व सस्व जिरे क्रादि नियमादिट्या ये सब जगह क्या है क्रादि नियम सिट हो गया नट धातु होने पर भी सस्व जिषे सस्वन जिषे इति सस्वन जाते सस्व जाते सस्वन जिध्वे सस्व जिध्वे सस्वंजे सस्वजे सस्वन जीव है सस्व जीव है सस्वन जीम है सस्व जीम है। स्वंगता में क्या है स्वंज दंता इति स्थिते जकार से कुत्वेन ककारे सति शुत्व संपन्न जो पहले शुत्व के कारण से जो यह हुआ था यकार से निवृत्तो निवृत्तो करके नकार से वापस अनुस्वारे तस्य प्रसवर्णेन गकारे गकार से चर्त्व और गकार को चर्त कर दिया तो रूपम स्वंगताय बन गया एवं अग्रे अपी स्वजयति दंश संजयति शपि न लोपयति भाव जान के लोट लकार का दिया यदि भी स्वजताम भी दिखा सकते थे आपने विधिलिंग में क्यों गए लोट में दिखाओ स्वजताम अस्वजत स्वजेत स्वजेत में गए विधिलिंग दिखा रहे हैं। स्वंगशिष्ट अस्वंग इन दोनों में भी पहले लुंग में ले जा रसी दही लुंगी अस्वंज सत्य स्थित झलो जलित सी झलो पे कुत्वादि पूर्वत करके रूप बनता है अस्वंगत ननु प्रत्यस्वंग दैत्यत्र अटाव्य अवधानाद उपसर्गस्थाद इण परत्व भावाद कथम उपसर्गासनोति सत्वम उससे तो हो ही नहीं सकता था सत्व इतता प्राक्षता इति प्राक्षता दडवी इस सबने असत्व किया है परस्य स्वंजय है इति शेष ननु परिनिविप्य परस्यापि स्वंजय है
प्रणिप्य सेव सित सय स्यूर सह सुटस्तु स्वंजा यदि नित्यमेव शब्दोचितम नित्यश्रुत होना चाहिए तब भी आपको विकल्प कैसे कर दिए प्राक्षिता दटव्यापिति अटव्यवधान पित्तस प्रवृत्ते अटके विधान पर उस सूत्र को सब बता रहा है अट का व्यवधान होने पर भी प्राक्षिता आत को दिया उनसे होना चाहिए तो फिर भी आपने कैसे कर दिया तब कर दे उपसर्गा सुनती इत्यादि सूत्र है स्वंजय पठितत्व न स्वंजय प्राक्षित सूत्र विषयत्वाद इतताव परिनिव्य नित्य शब्दविदौ स्वंजीरपि उपात्त इसे नित्य शब्दविधि में स्वंजी को ग्रहण किया तथा शिवादि नाम वा सूत्र से विकल्प हो जाएगा उपसर्गा स्मृति इत्येव तस्य सत्वे सिद्धे पुनरुपादान दोबारा जो ग्रहण किया शिवादिनम वाड्वयेपि इति उत्तर सूत्रे शब्द विकल्प विदौ अनुवृत्त्यर्थमेव संपद्यते शब्द विकल्प विधान करने के लिए अनुवृत्ति होवे ये तदर्थ दोबारा स्वंज ग्रहण किया गया था परिणिव्य पर से स्वंज है शिवादिन वायित शब्द विकल्पार्थम पूर्व सूत्रे परिणिव्य सेव शिव इत्यत्र स्वंज ग्रहणमिति पर्यवसति यह निष्कृष्ट अर्थ निकल जाता है अदा पुरुषोत्सर्ग अनडया क्रादिनियमादिहाठ होगा जह दिशे जह दिध्वे जह दिवहे जह दिमहे बनेगा हत्ता लुटितासी दस चर्तम सीधे काम हो गया हत्ता में क्या हो गया झलो जलित झलोपा इस प्रकार से गुपादे अष्टौ अनुदाते तो गताहा गुपादे जो आठ दात अनुदाते थे वो पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं अब आरंभ होता है अतः परस्मैपदिना पुनः परसवें पदी आरंभ हो गए ये कुल यहाँ सोलह है षोड़श कहाँ से कहाँ तक हैं ईश्विदा से आरंभ करके ईश्विदा अव्यक्त शब्दे से आरंभ करके कितनी वासे धातु आएगा आपकी इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 242 235 में यह है 242 में यह है कुल मिला के यहाँ से वहाँ तक 16 धातु बनते हैं परसवें पदी ईश्विदा अव्यक्ते शब्दे ई कई संज्ञा हो जाएगा आदिर टूडवा ईतक्त सूत्र है उसमें लाभ दिलाने के लिए ई की संज्ञा कर दिया गया और आकार या पर उदात्त है और आदित्य निष्ठा में तकार को नकार करने का भी लाभ हो जाता है इसलिए भी जरूरत है आकार की भी संज्ञा अव्यक्त शब्द है अव्यक्त शब्द अर्थ में है स्विध धातु है स्वित धातु में कोई कार्य नहीं बता रहे क्योंकि सरल है सीधा है रूप सीधा साधा चलाइए क्या बनेगा स्वेदती बनेगा सेठ धातु है ध्यान रखना है सेठ धातु है ये स्वेदती शिश्वेद शिश्विदतु शिश्विधु शिश्वेदित शिशिदतु शिश्विद शिश्वेद शिशिधि व शिशुधिम स्वेदिता स्वेदिशति स्वेदतु अस्वेदत स्वेदेत स्विद्यात अस्वेदित अस्वेदिष्यत अब उसके बाद स्कंदिर गति शोषणयो वो अव्यक्त शब्द में था जहाँ शब्द व्यक्त नहीं है स्पष्ट नहीं है ध्वन्यात्मक और स्कंदिर धातु इरित इर की संज्ञा होगी इरितोवा से अंग हो जाएगा ये लाभ है लुंगलकार में दो अर्थ में ये धातु गति और शोषण शोषण मैंने सुखाना अगले को सुखाओ इसका नाम शोषण करना करते ना उच्च जाति वाले नीच जाति का शोषण अमीर जो गरीब का शोषण होता है कपड़े को सुखाना भी शोषण सुखाना पानी को निचोड़ दिया आपने तो सुखा दिया आदमी को निचोड़ निकाल लेते हैं इसको भी शोषण कहा जाता है इसीलिए इस बचेगा क्या धातु इसलिए स्कंद बचेगा रूप क्या बनेगा स्कंदते स्कंदते बनेगा धातु अनिट है स्कंदते और चस्कंद चस्कंदतु चस्कंदु और भारद्वाज नियम सिट होगा और इसमें भारद्वाज सिट नहीं होगा क्रादि नियम सिट हो जाएगा चस्कंदित चस्कंथ चस्कंदतु चस्कंद चस्कंद चस्कंदिव चस्कंदिव ये क्रादि नियम से नित्यट हो जाए चस्कंदिव चस्कंदिम स्कंता दकार को खर्च से तो हो जाएगा सीधे ही स्कंद धातु है ता है स्कंता
स्कंता स्कंतारो इत्यादि, स्कंस्यति स्कंस्यति, स्कंदतु अस्कंदत स्कंदेत स्कद्यात, यानी कार्गलोप होगा, पहले स्कद्यात में नलोप का दिया, अनिदिताम हलोपदे किंगिति, इस सूत्र से नकार का लोप हो गया, इसलिए स्कद्यात बनेगा। इरित्तादंगवा, इरित्त होने से विकल्प संग हो जाएगा, अस्कदत दबंगोगत कित मिले के प्रकार लोप न कलोप हो जाएगा। इरित वह अंग है ना, अंगकार गित है, कित कित के पड़ते हुए नकार लोप हो जाता है, इसलिए अस्कदत बना, अंग पक्ष है। अंगभावे अस्कांसीत, अस्कांत सीत वृद्धि हो जाएगी स्कंद के आकार को, वर्ज वज वर्ज हलंतस्याच अस्कांत सीत, अस्कांताम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्कांताम में पहले जलो जली से एक सकार लोप हो जाएगा, जलो जली से पहले एक सकार लोप हो जाएगा जो सिच का सकार है, और उसके बाद स्कंद दात गद्दा रहेगा, अ स्कंद ताम है, द को खरीच त कर दो, अस्कंताम न से प्रवृत्त त से प्रवृत्त जरो जरी सवर्ण है, एक तकार लोप हो जाएगा। अच्छा एक तकार वाले ग्रुप दो तकार वाले ग्रुप पृथ्वी हो गया ना, अस्कांताम अस्कांताम अस्कांत सु अस्कांत सि अस्कांतम अस्कांत अस्कांत सम अस्कांत स्व अस्कांत स्म और अस्कंस्यत अस्कंस्यत ये रूप बनेगा। वेह स्कंदेर अनिष्टायाम, अनिष्टायाम बनाओ उसको, वे स्कंदेर अनिष्ठायाम, वे पंचमी का एक वचन, स्कंदे षष्ठी का एक वचन, अनिष्ठायाम सप्तमी का एक वचन। सप्तम वास्यात् कृत्येव इदम्, कृति एव इदम् अनिष्टायम इति पुरदासात्, कृदन प्रत्येक योग में ये सूत्र लगाना, क्यों अनिष्टायम कहते पुरदास है, निष्ठा से भिन्न निष्ठा सदृश कृदन प्रत्येक योग में ही व्युपसर्ग संदर्भ निमित्त को लेकर के स्कंद धातु के सकार को विकल्प से सत होता है, इसलिए विष्कान विष्कंता विष्कंता, एक बार सकार हुआ एक बार नहीं हुआ, निष्ठायम तो विष्कन्न बनेगा, निष्ठा में तो लगेगा नहीं ये सूत्र सत्व नहीं करेगा, नित्य ही सकार रहेगा, विष्कन्न बन जाता है। विष्कंता विष्कंता में क्या हो रखा है, त्रिच प्रत्यय, वह त्रिच है निष्ठा नहीं, वह त्रिच त्रिष्पद प्रथमा का एक वचन रूप बन गया, जैसे कर्ता बनता है वैसे हो गया, कर्ता कर्ता रो कर्ता रह, विष्कंता विष्कंतारो विष्कंतार, द कविता हो गया, यहाँ भी एक तकार दो तकार वाला रूप बनेगा, जरो जरी सवर्ण है। परेश्च परेश्च परे पंचमे जन चे दो पद है, परि उपसर्ग योग में भी ऐसा ही कार्य होगा जो पूर्व सूत्र में कहा गया, अस्मात् प्रसस्कंदे सस्य शो वास्यात् योग विभागात् अनिष्ठायाम इति तो न संबद्धते, योग विभाग करने से अनिष्ठायाम का संबंध मत छोड़ो, अर्थात अकृदंत में भी लागू हो जाए, सर्वत्र लागू हो जाएगा, कि योग विभाग करने का लाभ यही है हम अनिष्ठायाम का अनुवृत्ति करके जोड़ेंगे नहीं, नहीं तो वही जोड़ देते ना, स्कंद वे वे, वे, वे के जगह पर लिख देते विपरिभ्याम, क्या लिख देते विपरिभ्याम स्कंदेर अनिष्ठायाम ऐसे सूत्र बना देते, विपरिभ्याम न करके वे अलग कर दिया परेश्च अलग कर दे रहे हैं, इसे ज्ञापन होता है अनिष्ठायाम का संबंध नहीं है, योग विभागाद अनिष्ठायाम इति न संबद्यते, परिस्कंदति परिस्कंदति, इसीलिए देखो यहाँ कृदंत प्रत्यय नहीं है ना, अकृदंत प्रत्यय तिंग है यहाँ पर, यहाँ भी लग गया सत्विकल्प, परिस्कंदति परिस्कंदति बन गया, परिस्कन्ना परिस्कन्ना देखो निष्ठा में भी लागू हो गया, ये परिसर पर क्या है निष्ठा में भी सत्विकल्प कर दिया, त्वाप शब्द पक्ष है नत्वा शब्द पक्ष में नत्व भी हो जाता है, परिष्कन्ना
शतपक्ष में नत भी हो जाएगा, रसाभ्याम समान प्रतीक अधिकार में आ जाता है ना। फिर सह निमित्त कवर का ही अटकू मांगलो अधिकार में तो दंत नकार मूर्ध नकार हो जाएगा वहाँ। न च पदद्वय आश्रयतया बहिरंगत्वात् सत्व सिद्धत्वम्। पदद्वय आश्रित कार्य हो जाएगा नत्व, पर अलग पद है, अलग पद है तो भिन्न पद का इष्ट कार्य होने से बहिरंग हो जाएगा, सूत्र लगेगा ही नहीं, सत्व सिद्ध है आते वहाँ पर नत्व नहीं होगा, ऐसा मत कहो। धातु उपसर्ग कार्य मंत्रम विति अभिगमात्, धातु उपसर्ग के बीच के कार्य अंतरंग होता है ये कहा गया है। इतना ही नहीं, पूर्वम धातु उपसर्गे नियुज्यते तथा साधने नैति भाष्यम। पूर्वम साधने न, और पूर्वम साधने न इति, या तो पूर्वम धातु कह दिया, पहले धातु से उपसर्ग के साथ योग होगा उसके बाद साधन के साथ, इन दूसरे पक्ष में है पूर्वम साधने न ऐसा कह दिया है तब क्या होगा। इसे मतांतरे तो नणत्वम, उस पक्ष नणत्व नहीं होगा, पहले धातु निमित्त जो भी कार्य करें सब कर लो, बाद में उपसर्ग के साथ संबंध जोड़ोगे तो दो भिन्न पद हो जाएगा। कितिंग आ गया, काम कर लिया, बाद में उपसर्ग से जोड़ रहे हैं आप। पूर्वम साधने न, मैंने जो प्रक्रिया होनी है वो पहले साधन कर लो, स्कंदति बन गया, फिर परी रख दिया आपने, परी स्कंदति, ये दो भिन्न पद माना जाएगा, तब नत्व नहीं होगा। यदि ऐसा ना करके परी स्कंद धातु, परी स्कंद या पहले कार्य कर लो, शत कर लो पहले, उसके बाद लटतिप शप लाओ, धातु का उपसर्ग के साथ संबंध पहले, बाद में साधने ना, बाद में लट लाओ तिप लाओ जो लाने वो करते रहो आप, बाद में करते रहो, उसी तुम्हें शत हो जाएगा पहले, जब शत हो गया तो नत्व भी होगा बाद में, ये लाभ है। से दो सिद्धांत है, कहीं पहले साधन प्रक्रिया करके बाद में धातुओं को उपसर्ग के साथ देखा जाएगा क्या योग बन रहा है, कार्य होगा कि नहीं होगा। और दूसरे पहला वाला पक्ष यहाँ पर यह है, धातु को उपसर्ग के साथ पहले संबंध कर लो, बाद में साधन प्रक्रिया अपनाओ। ये दोनों ही पक्ष सिद्ध, दोनों ही सिद्धांत में स्वीकार किया गया है भाष्यकार के द्वारा। अजोणत्व होगा अभी एक पक्ष में, दूसरे पक्ष अणत्व नहीं होगा। अतः पर्शपति नहीं थी कितनी वास अंत वहाँ तक ले जाना इति शेषा ईश्विदा इति यहीं आकार चित सेठ सब एक एक रूप दे दिया। स्वेदति सुश्वेद सुश्विद तो सुश्विद हो सुशेद सुश्विद तो सुश्विद सुश्वेद सुश्विदि व सुश्विदि व स्वेदित स्वेदिष्यति स्वेदित अस्वेद स्वेदे स्विद्यात अस्वेदित अस्वेदिष्यति स्कंदिर इरित स्कंदी धातु इरित और अनिट भी है। भारद्वाज नियमा थली वेड इत्याह चस्कंदित चस्कंथ इति अनिट पक्षे चस्कंद थ इति स्थिते खरीचित दकार से तकार चस्कंदिव और चस्कंदिव सीधे बन जाता है। स्कंतेति लुटी तासी चर्त्वेन दस्यतः स्कंस्यति से दस्य चर्त्वम स्कंद तो स्कंद स्कंदेत आशलिंग विशेषमा अनलोप हिरा समुदाय सीत्वेन धातुर अनिदित्वाद आश्रलिंग नकार से लोप इत्यर्था। इर समुदाय की संज्ञा किया हमने, केवल केवल ये की संज्ञा अलग अलग नहीं है, अति विदित नहीं है, अनिदित है ये, अनिदित और सरकार का लोप हो जाता है। आस्कदायती लुंगी अंगी सती गित्वात् लोप इत भाव अंगभाव्य अस्कांसी अनेक हल व्यवधान अभी हलंत लक्षणावृद्धि प्रवर्तित इति निरूपित अक्षुधातु अक्षुधातु बाद निरूपण पूर्व में कर चुके हैं। अत्वत्र वृद्धौ दस चर्त्वनतः अस्कांताम हलंत लक्षण वृद्धौ झलोज सिजलोपे दस चर्तुम हुआ अस्कान सूर्य उसी सिचि वृद्धौ दस चर्तम अस्कांसी ही अस्कांताम अस्कांतम अस्कांत अस्कांसम अस्कांस्व अस्कांस्म अस्कंस्यत वे स्कंद है। शेष पूर्ण सूत्र व्याचष्टे सत्तम वास्यादिति अभिदांत समूर्धन इत्यधिकारा क्योंकि अभिदान समूर्धन का अधिकार है। शिवादिन वायते तो वायत्य निवृत्ते स्थिति भाव वे परस स्कंद है सस शो वास्याद अनिष्ठायां पर तो इति फलित सूत्र फलित वृत्ति हो जाता है। ननु विस्कंदति इत्य कुतो न शत्विकल्प यहाँ भी शत्विकल्प होना चाहिए फिर इतता कृति एव इदम कृति मने
कृत प्रत्यय के पर रहते हुए में ही ये सूत्र लगेगा। कैसे पता चला? परदासस्य अब्राह्मणम् आनय इत्यादि इव सजातीय अपेक्षत्वाद इति भाव। अब परदास में क्या है? सजातीय अपेक्षा। जैसे आप ब्राह्मणम मानय मैंने कोई कुत्ता घोड़ा बिल्ली को थोड़ा लाओगे, आप ब्राह्मण को लिया तो अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण सदृश क्षत्रिय शूद्र, इसी आदमी को ही तो लाओगे, पशु को थोड़ी लाएंगे। सजाति को ही ग्रहण किया जाता पूर्वदास में। यहाँ भी सजाति क्या होगा? निष्ठा से भिन्न, निष्ठा के सदृश कृत संजक प्रत्ययों को ही लेना। आदि से भिन्न प्रत्यय में सूत्र लगेगा नहीं। विष्कंता विष्कंता त्रिचिव रूपे, ये त्रिचिकाई रूप है। अशोपदेशत्वाद अप्राप्ति विभाषी, अशोपदेश होने के दास है अप्राप्ति भाषा समझनी चाहिए। परेश्च नन विपरीभ्याम स्कंदेर अनिष्ठायाम इत्यो सिद्ध है सूत्र भेदो व्यर्थः इततः योगेति शतपक्ष परिष्कंद तथिति अनिताभ्यन लोपे रदाभ्याम तिष्ठातकार से तत्पूर्वकार से च नत्वे सस्तानेन शतपक्षे प्रथम नकार से रेफापेक्षया भिन्न पदस्तत्वे शात्परत्वाद नत्वे द्वितीय नकार से स्थुत्वेन नत्वे परिष्कर्ण इति रूपम इत्यर्थः। रदाभ्याम नोण समान पद से पहले कर लो, बाद में स्टुनाष्ठु लगा दो, दूसरे वित्त का नकार को न हो जाएगा। ननु दकार स्थानिक नकार से शकार निमित्तकम नत्तम अंतरंगम, दकार निमित्तक जो नकार था उसके जो शकार निमित्तक होने के उसका नत्व अंतरंग है, लेकिन निमित्त निमित्ति नोर एक पदस्तत्व क्यों अंतरंग है? कि निमित्त निमित्ति एक पदस्थ है, लेकिन सत्यंतो लेकिन सत्य तो दो भिन्न पदस्थ हो गया। परीति उपसर्गात्मक पदांतरस्तम इणम निमित्तीकृत्य प्रवर्तमान वो बहिरंग हो जाएगा। ततश्च नत्वे कर्तव्य बहिरंग से सत्व से सिद्धत्वात् नत्वरूपे अंतरंग कार्य कर्तव्य में सत्वरूप जो बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। अच्छा शकार से प्रेम मिलेगा ही नहीं तो रदाप्य अनुसमान तो लगेगा ही नहीं। ऐसे दिखें सात प्रतवाद कथम नत्तम, वो पहला दकार वणकार नहीं हुआ तो बाद अष्टनाष्ट भी नहीं लगेगा, दोनों दंते नकार रह जाएंगे। ऐसे यदि कहें तब जवाब देगी न चेती पदद्वय आश्रित्य बहिरंग सिद्ध ससिद्धत्म यत् प्रसक्तम तन न शंक्यम, ऐसे उपाशंका न करे इत्यन्वय। कुता ऐसे आशंका हम क्यों न करें भाई? इसलिए धातु उपसर्गो कार्य मंत्रंगाम नियम है। धातुर उपसर्गेण सह युच्यते संध्यादि कार्यम लभते, इसे धातुर उपसर्ग धातु उपसर्ग के साथ पहले युक्त हो जाएगा और संध्यादि कार्य कर लेंगे हम, उसके बाद में पश्चात धातु उपसर्ग कार्य प्रवृत्ति अनंतरम साधने नहीं युज्यते, अन्य जो आपको करना होगा धातु से जो साधन करना है वो बाद में करते रहो, चाहे वह आपने सन लाना है कोई प्रत्यय तिंग लाना है चाहे कोई कृष्ण प्रत्यय लाना है कुछ भी लाना है वो बाद में होते रहेगा। साधन शब्द कारकवाची यह तो तद्वाचक प्रत्यय लक्ष्यते या तद्वाचक प्रत्यय से कर्तृवाच्य जो तिंग कर्तार्थ नूल इत्यादि जो आता है त्रिच इत्यादि आते हैं उसको यहाँ कह गए साधन शब्द से। प्रत्यय निधि यावत इदंच संसारणाचित्य सूत्रभाष्य स्पष्ट, ये सारी बातें संसारण सूत्र भाष्य में स्पष्ट कहा गया है। तदाह भाष्यमिति मतांतरे तो लेकिन दूसरे लोग कहते नहीं नहीं पूर्वम धातु साधने निजते पश्चात उपसर्गेण इति, उस पक्ष में तो सप्त से बहिरंगतया असिद्धत्वात् नणत्व शत बहिरंग हो जाएगा, असिद्ध होने के नाते नत्व नहीं होगा, नत्व नहीं तो स्तुत्व भी नहीं होगा, ये भी समझना है। इसके बारे में थोड़ा ही कह रहे तत्वोनि वेस्कंदर अनिष्ठाया शिवादिवित्य तो वायत्य न वर्तते अशोपदेशत्व प्राप्ति भाषय माधवादि ग्रंथानुरोधिनाः कृति एव इदमिति प्राचातु विस्कंदति इत्युदाहृतम तत्र मूलम मृग्यमिति भाव। उनका ऐसे उदाहरण देने में मूल क्या है प्रमाण नहीं दिखता है, मैंने गलत है न समझते, अनिष्ठायम का अनुवृत्ति नहीं होगा परिश्चा में, अतः तिंगंते भी सत्यम उदार दे तिंगंत में भी सत्य हो गया, परिष्कंद परिष्कंदति दृष्टान दिया गया। यभ मैथुने, यभ धातु क्या है? मैथुन अर्थ में है,
यभति यभति और एभे भाति भिरे ये भी नहीं ओहो ये भे नहीं ययाभ ययाभ एवतु एवु एभिथ और ययब्ध एवतु एभ ययाभ ययभ एभिव मरेगा और यब्धा अनिर्धातु होने से यब्धा यप्स्यति यभतु अयभत यभेत यभ्यात अयाप्सित और अयप्स्यत अयप्स्यत यब्द पर बोल रहे हैं जहाँ इतना ही था यब धातु रनिट यभति ययाव यभतु थड़ जो भारद्वाज नियम आज पक्ष है पित्वे न अकित्वे पी थड़ जो सेठी थी ये तो अभ्यास लोपम मत्वाह ये भीत ही थी और ये यब्द कैसे बन गया फिर थड़ी ये अभाव पक्ष है पित्वे न अकित्वात ये तो अभ्यास लोप अभाव है यह यब थ इस स्थित है जिसो तो थस्य धत्वे और भस्य जस्त्वे न बकार इति भाव यब्धा बनता है। इसी प्रकार से यब्धा ये यब्धा एवमेव यब्धा बनेगा ये बतु ये भ ययाव ययभ क्राजनित ये भिव ये भिम लुटितासि तकारस्य जस्तुरिति धत्वम भकार जस्त्वे न बकार इति भाव यप्सति से भस्य चर्त्वे न प हो गया यबतु यब अयभत यभेत यभ्यात अयाप्सीदिति हलंत लक्षणावृद्धि और अयप्स्यत हो